स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज ट्वेल्व डी शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट नाइन सेवन इन ट्रेंगल पी क्यू आर एक्स वाई पैरल टू क्यू आर ये एक्स वाई पैरल है क्यू आर के एक्स की वैल्यू वन मेंशन है एक्स क्यू की वैल्यू थ्री है, वाई आर की भी वैल्यू फोर पॉइंट फाइव मेंशन है और क्यू आर की भी वैल्यू नाइन मेंशन है ओके okay? फाइंड करना है आपको यहाँ पे पी वाई फाइंड करना है पहले और पी वाई के बाद एक्स वाई भी फाइंड करना है पी वाई के बाद एक्स वाई भी फाइंड करना है ओके okay? अच्छा उसके बाद इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स ए फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए द एरिया ऑफ ट्री क्यू आर पी क्यू आर की एरिया और फिर एरिया ऑफ द फिगर एक्स वाई आर क्यू इतनी सारी चीजें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे ना सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे बीपीटी से कर देते हैं एक्स वाई को किससे बीपीटी से लिखेंगे हम कि सेंस एक्स वाई पैरल है क्यू आर के तो देयर फोर ये वाला आपका पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू इज इक्वल टू लाइन पैरल जाएगी तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी यानी कि पी वाई अपॉन में वाई आर ओके ये हो गया और ये किससे हुआ ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हुआ पी एक्स की वैल्यू वन दी हुई है एक्स क्यू की वैल्यू थ्री है पी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और वाई आर की वैल्यू वाई आर की वैल्यू फोर पॉइंट फाइव है देअर फोर पी वाई इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव अपॉन में थ्री इतना आ जाएगा फिफ्टीन थ्री जा फिफ्टीन टू जा यानी कि वन पॉइंट फाइव ठीक है कितना आ जा रहा है ये वैल्यू वन पॉइंट फाइव आ जा रहा है ओके okay. नेक्स्ट इसके बाद अगर हमको निकालना है किसकी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू तो एक्स वाई अब इसका क्या है रेशियो के इक्वल आएगा इसके लिए हमको क्या करना होगा दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एंगल पी एक्स वाई एंड ट्रायंगल कौन सी वाली सबसे बड़ी वाली पी क्यू आर इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल करेस्पोंडिंग एंगल और ये एंगल कॉमन हो गई क्या लिख देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल P लिख दो और क्या लिखेंगे रीजन रीजन लिख देंगे कि ये कॉमन है फिर इसके बाद एंगल पी एक्स वाई एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल Q और ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल तो देर फोल ट्री एंगल पी एक्स वाई सिमिलर टू ट्री एंगल पी क्यू आर और किस एक्सियम से एंगल एंगल एक्सियम से और जैसे ही दो को हमने सिमिलर कर दिया जैसे ही हमने दो को सिमिलर कर दिया तो देर फोर साइड यानी कि कोई एक भी ले, ले लेते हैं पी वाई अपॉन में पी आर या फिर पी एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में पूरा पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में क्यू आर पी एक्स की वैल्यू देखो वन है लेकिन पी क्यू की वैल्यू क्या है पी एक्स की वैल्यू वन और पी क्यू की वैल्यू वन प्लस थ्री हो जाएगी वन प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई जो कि कैलकुलेट करना है अपॉन क्यू आर नाइन है नाइन मल्टीप्लाई में अपॉन में फोर इज इक्वल टू एक्स वाई यानी कि एक्स वाई की वैल्यू नाइन का फोर पार्ट करेंगे तो एक पार्ट क्या आएगा टू पॉइंट टू फाइव अच्छा दोनों ट्रि कैसे हैं आपस में सिमिलर हैं ओके पी एक्स वाई सिमिलर टू ट्रि एंगल पी क्यू आर तो देयरफॉर फोर एरिया ट्रेंगल पीएक्स वाई अपॉन में एरिया ट्रे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाउ मच ये किसी एक साइड के इक्वल कितना हो जा रहा है एक्स वाई अपॉन में ये था वन बाई फोर क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन में पी क्यू पी एक्स अपॉन में पी क्यू के इक्वल ठीक है तो और ये वैल्यू कितनी है ये वैल्यू वन अपॉन में वन प्लस थ्री वन बाई फोर है ध्यान से देखो भाई पी एक्स वन है और पूरा का पूरा पी क्यू क्या है फोर है वन बाई फोर का स्क्वायर यानी कि एरिया ट्रायंगल पी एक्स वाई अपॉन में एरिया ट्री एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन अच्छा अब आपसे कहा था यहां पे कि अगर इसकी एरिया ए है तो पी क्यू आर की एरिया बताओ ए के टर्म में ठीक है तो यहां पे सिंस एरिया ट्री एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू ए देयर फोर ए अपॉन में एरिया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन देयर फोर एरिया ट्री एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सिक्सटीन मल्टीप्लाई ए कितना आ जाएगा सिक्सटीन ए एक और दिया हुआ था आपको आपको पता करना था एरिया एक्स वाई ठीक है ये कितना आ जाएगा XY. निकल गया हमारे पास ए के में सेंटीमीटर स्क्वायर अभी लिख देते हैं एरिया ऑफ द फिगर एक्स वाई आर क्यू ओके सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये हो गया सिक्सटीन ए सेंटीमीटर स्क्वायर अब यहां पे क्या लिखेंगे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ फिगर एक्स वाई आर क्यू एक्स वाई आर क्यू इज इक्वल टू एरिया ट्रे पी क्यू आर माइनस एरिया ट्रे पी एक्स वाई एरिया ट्रे पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है सिक्सटीन ए सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पी एक्स वाई कितना दिया हुआ है ए सेंटीमीटर स्क्वायर और इन दोनों को माइनस करने पे आ गया कितना फिफ्टीन ए सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे फिनिश नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में है इन ट्वेल्व पॉइंट नाइन एट शोज टू आइसोसलिस सिमिलर ट्रैंगल ये दोनों साइड इक्वल है याद रखना दिया हुआ है और ये triangle है एक दो इसमें से ये ट्रैंगल जो दो वो कॉम्बिनेशन है तो दो आइसोसलेस है एबीसी और एपी क्यू होगा एपी <coughs> क्यू होगा और एबीसी होगा अच्छा यहां पे कह रहा है पी क्यू एंड बी सी आर नॉट पैरल अच्छा यहाँ पे जो कंफ्यूजन है ये हटा लेना है कि भाई ये pq पैरेलल नहीं है और दिख भी रहा है डिस्टेंस कम हो जा रहा है pc की वैल्यू 4 है जो मेंशन है aq की वैल्यू 3 है जो मेंशन है qb 12 ये भी मेंशन है और bc is equal to 15 सेंटीमीटर कहाँ है वहां मेंशन है लेंथ ऑफ ap ये जो ap है ना x लिखा हुआ है इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है since टू आइसोसलेस therefore दो ट्रैंगल आपका आइसोसलेस है तो कौन कौन होगा एबीसी ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रगल कौन सा एपी क्यू ये दो ट्रैंगल आपस में सिमिलर होंगे ठीक है ये वाली साइड बारह इन पंद्रह और ये बारह इन पंद्रह देखो ऐसे फिर ये भी साइड क्यूपी इक्वल है किसके PX के इस तरह से मैंने इसको देखा है कि ये जो एपी क्यू है ये पूरे एबीसी के है ना दो साइड इसमें और दो साइड इसमें तो ये दो ट्रायंगल्स आइसोसलेस है तो दोनों यही होंगे और जैसे ही ट्रायंगल आइसोसलेस हो जाती है तो करिस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में क्या कुछ आ जाएगा तुम्हारा ये एक क्यू अपॉन में ए सी ए क्यू अपॉन में ए सी ए क्यू अपॉन में ए सी जैसे ही हम लिखते हैं उसके बाद AP अपॉन में ए बी ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू और क्या दिया हुआ है पी क्यू अपॉन में BC, पी क्यू अपॉन में BC. अब ये कैसे कैलकुलेट किया वो भी देखो ये दो साइड सेम है तो बी के सामने वाला ए सी और ये दो साइड सेम है तो पी के सामने वाला ए क्यू इस तरीके से हम एक को रेशियो में लिख रहे हैं और जैसे इनको रेशियो में लिख दिया अब एक की वैल्यू कहीं दिख रही है बिल्कुल थ्री ए सी की वैल्यू कहीं दिख रही है मुझे एक्स प्लस फोर की वैल्यू ए से लेकर पी की वैल्यू सिर्फ कितनी है एक्स है अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है ए से लेकर बी तक ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन दिख रही है और PQ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो PQ की वैल्यू हमें पता नहीं है ओके okay. और यहां पे PQ के अलावा किसकी वैल्यू दी हुई है BC की BC की वैल्यू कितनी दी हुई है कैलकुलेट किसका करना है हमको वैल्यू AP का करना है यानी X का करना है तो सिर्फ इन दोनों को हम लेते हैं क्योंकि इन दोनों में एक ही वेरिएबल है एक्स देर फोर थ्री अपॉन में एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स अपॉन में फिफ्टीन तो x इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव एक्स स्क्स एक्स माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो अब क्या हो गया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस नाइन एक्स माइनस

x की वैल्यू फाइव आ गया तो देर फोर एपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास फाइव एपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास फाइव और ये एपी कैलकुलेट करना था आपको भाई नेगेटिव पॉसिबल नहीं है ना लेंथ दिया है तो लेंथ नेगेटिव में क्या कैसे हो सकता है कुछ तो पॉजिटिव होगा द रेशियो ऑफ द एरिया एपी क्यू एंड एबीसी एपी क्यू और ABC का दोनों ट्रेंगल ऑलरेडी कैसे हैं सिमिलर है क्या लिखा था एपी क्यू एंड एबीसी एरिया ट्रेगल एपी क्यू अपॉन में एरिया ट्रेंगल एबीसी किसी एक साइड का स्क्वायर ले लेते हैं थ्री अपॉन में एक्स प्लस फोर का स्क्वायर हो जाएगा यानी एक क्यू अपॉन में एसी का ए क्यू अपॉन में एसी का स्क्वायर और ये एक्चुअली में ए क्यू कितना आया ए क्यू आया थ्री और ये कितना आ गया x प्लस फोर यानी कि फाइव प्लस फोर कितना आ गया नाइन का होल स्क्वायर ठीक है वन थ्री यानी कितना आएगा ये वन अपॉन में नाइन ही आएगा चलो ये आ गया आपके पास इसके अलावा और कुछ पूछा इसके अंदर नहीं क्वेश्चन नंबर अब थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है कि गिवन दैट ट्रेंगल एबीसी एंड डी एफ आर सिमिलर फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी टू डी एफ इफ ए बीज टू फोर एंड डीवल टू फोर ए बी टू दिया है डी फोर दिया है एरिया सिमिलर नहीं सेंस ट्राइंगल सिमिलर है तो ठीक है तो देर फोर एरिया ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रेंगल डी एफ इज इक्वल टू किसी एक साइड का इसके लिए ए बी और इसके लिए डी का स्क्वायर और ये कौन कहता है कहता है थ्योरम नंबर थ्री पढ़ा है ना इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने थ्योरम नंबर थ्री और ये ए बी की वैल्यू कितनी है टू है और डी की वैल्यू फोर है स्क्वायर लगा देंगे वन बाई टू का कितना आ जाएगा वन बाई फोर वरना टू टू जा फोर 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 सिक्सटीन फोर बाई करोगे तो भी वन बाई फोर ही आएगा चलो ये आ गया वन इज टू तो फोर अच्छा ए बी अपॉन में डी पता करना है इफ ए बी सी इज टू डी एफ इजल टू इतना दिया है एरिया ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रेंगल डी एफ इज इक्वल टू कितना होगा ए बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर ऑल्सो एरिया ट्रेंगल एन इज इक्वल टू सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव भी दिया है भाई सिमिलरिटी तो ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे अभी सेम क्वेश्चन का पार्ट है तो दे आर फोर भाई ये भी इसी के इक्वल ये भी इसी के इक्वल ए बी स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर ज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉइनमेंट ट्वेंटी फाइव तो ए बी अपॉइनमेंट डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन अपॉइनमेंट ट्वेंटी फाइव और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बी अपॉइनमेंट डी की वैल्यू आ जाएगी फोर अपॉइनमेंट फाइव ये हो गया हमारा आंसर इसके अलावा भी कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में है कि इन ट्रायंगल abc P डिवाइड the साइड AB such सच AP is to PB 1 is to वन क्या लेना है हमको एक ट्रायंगल लेना है ठीक इन ट्रायंगल ABC हम यहां पे लिख देते हैं A यहां पे B यहां पे C एक लाइन अब इसमें हमको बनानी है और वो लाइन कर देगी डिवाइड इसको और डिवाइड करेगी कुछ इस तरह से ये लाइन पी डिवाइड द साइड ए बी सच दैट ए पी इज पी बीज टू वन इज टू टू ये वन है और ये टू है क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए सी अच्छा ए सी के ऊपर क्यू एक पॉइंट है सच दैट पी क्यू पैरल बी सी लो भाई पैरल है ये तो फाइंड द रेशियो ऑफ द ऑफ एपी क्यू एंड ट्रेपेजियम बी पी क्यू सी ये कितना आएगा ये आपको बताना है तो, अच्छा इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं ट्रेंगल एपी क्यू और एबीसी इन ट्रगल एपी क्यू एंड ट्रेंगल एबीसी देखो लाइन पैरेलल चलेगी सिमिलर हो गए कोई शक नहीं है फिर भी हमें लिखना पड़ता ही है करेस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल कॉमन क्या लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है ये कॉमन और इसके अलावा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी क्या लिखेंगे इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल तो देयरफॉर फोर ट्री एंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रेगल ए बी सी ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए क्यू और ए बी सी पूरा सिमिलर हो गया देयर फोर जैसे ही सिमिलर हो गया तो एरिया ट्रेंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ट्रे एंगल ए बी सी इक्वल हो गया किसी एक साइड के स्क्वायर के यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर एपी है कितना वन है ए बी क्या है वन प्लस टू स्क्वायर वन बाई थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई नाइन ये हो गया कोई दिक्कत नहीं अच्छा ये हो गया ये इसके इक्वल हो गया ओके हम लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ABC is equal to ABC का एरिया 9 into APQ 9 into एरिया त्रिभुज APQ लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं भाई ये इसको देखो ये बीच वाला तो बस इसके बराबर ही है तो 9 मल्टीप्लाई किया APQ में ABC में 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ABC is equal to 9 times APQ क्या निकालना था रेशियो ऑफ त्रिभुज APQ अपॉन में ट्रेपेजियम BPQC एरिया ट्रेंगल एपी क्यू अपॉन में एरिया ट्रेंगल ट्रेंगल नहीं सॉरी ट्रैपीजियम एरिया ट्रेपिजियम और इसका नाम क्या है बीपी क्यू से एक्चुअल में एपी क्यू तो एपी क्यू ही रहेगा एरिया ट्रेंगल एपी क्यू ही रहेगा लेकिन BPQC कैसे आ रहा है BPQC आ कैसे रहा है पूरे एबीसी में से APQ माइनस हो रहा है एरिया ट्रेंगल एबीसी में से एरिया ट्रेंगल APQ बेचारा माइनस होके निकल रहा है तभी ये वैल्यू आ रही है यहां से वन इू नाइन लेके भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे लेकिन सॉल्व नहीं कर रहे हैं यही आपको करके दिखा रहे हैं एरिया ट्रेंगल एपी एरिया एबीसी की जगह पे क्या लिख सकते हो एरिया एबीसी की जगह पे लिख सकते हो नाइन एरिया एपी क्यू नाइन एरिया एपी क्यू माइनस एरिया ए पी क्यू दिख रहा है कि नहीं एरिया ट्रेंगल एपी क्यू एरिया ट्रि एपी क्यू अच्छा नौ में से एक गया नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा एट आएगा ठीक है इज इक्वल टू अच्छा इसके बाद का ही वैल्यू इस, इसको लिख रहे हैं हम आगे एपीक्यू एरिया ट्रेंगल एपीक्यू अपॉन में नाइन टाइम्स एरिया वन टाइम एरिया नौ में से एक गया कितना आया एट टाइम्स एरिया ट्रेंगल एपीक्यू और एरिया ट्रेंगल एपीक्यू एपीक्यू गया कितना आया वन बाई एट कौन आ रहा है एरिया ट्रेंगल ए अपॉन में एरिया ट्रैपीजियम बी पी क्यू सी और ऐसे भी लिख सकते थे यहां से भी कि एपी की एपी क्यू की वैल्यू कितनी ले लेते एपी क्यू की वैल्यू वन ले लेते और ए के नाइन तो नाइन माइनस वन भी कर देते तो भी वन बाई एट आ जाता दोनों तरीके से पॉसिबल था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स एबीसी एंड डी एफ आर थर्टी सिक्स एंड एटी वन कितना कुछ दिया हुआ है थर्टी सिक्स और एटी वन दिया हुआ है दो सिमिलर ट्रैंगल है सिंस सिमिलर डी ई एफ तो देअर फोर एरिया ट्रेंगल एबीसी अपॉन में एरिया ट्रेंगल ई एफ इज इक्वल टू ए बी सी के लिए बी सी का स्क्वायर और डी ई एफ के लिए ई एफ का स्क्वायर ऑल्सो अच्छा ये कौन है थ्योरम थर्ड जो हमने पढ़ा था ऑल्सो एरिया ट्रे एंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रे एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अपॉन में एटी वन

अपॉन में एटी वन इन टू सिक्स पॉइंट नाइन एक बार और सिक्स पॉइंट नाइन दो बार ठीक है ये हो गया अभी क्या करो इसको ये सब स्क्वायर में है तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट थर्टी सिक्स अपॉन में एटी वन इन टू इसको क्या ही ओपन किया मैंने सिक्स पॉइंट नाइन का होल स्क्वायर ही रहने देते तो BC फोर बीसी वन नाइन का इंटू सिक्स नाइन थ्री 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 टू थ्री वन जा थ्री टू पॉइंट थ्री इंटू टू कितना आ गया फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर ये BC की वैल्यू आ गई बस इतना ही इजी क्वेश्चन था ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है इनफिगर ट्वेल्व पॉइंट नाइन नाइन यही है डी पैरल बीसी डी पैरल दिया हुआ है बी सी के ए डी की वैल्यू थ्री है ओके ए डी की वैल्यू कितनी है यहां पे? थ्री है ये वैल्यू पूरी है. इधर और ये इधर ये वैल्यू पूरी कितनी है थ्री फिर इसके बाद बोल रहा है एडी की वैल्यू थ्री है तो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है ये टू दी हुई है अच्छा ये टू है तो ये कितना आ जाएगा वन आ जाएगा एरिया ट्रेंगल एबीसी दस दिया हुआ है एबीसी की पूरी एरिया कितनी दी हुई है ये टेन है एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल एडी एडी की ट्रैंगल की एरिया आपको फाइंड आउट करनी है ओके okay, तो यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है एडी इज क्वल टू थ्री ए डी इक्वल टू थ्री डी बी इज इक्वल टू टू ए डी का मतलब क्या है ए बी प्लस डी बी ए बी प्लस डी बी इजल टू थ्री डी बी की वैल्यू कितनी है टू इजल टू थ्री तो ए बी की वैल्यू पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं थ्री माइनस टू इसक्वल टू वन जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था ठीक है उसको कैलकुलेट कर लिया ट्रि एबीसी ए और एडीई में देखो इन ट्रे एबीसी एंड ट्री एंगल ए डी में देखते हैं क्या देखेंगे कि साइड अगर पैरेलल जा रही है तो ये एंगल और ये एंगल कैसी हुई करिस्पोंडिंग और ये एंगल दोनों में कॉमन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और इसके अलावा एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी एंगल डी क्या लिखेंगे करिस्पॉन्डिंग एंगल और ये कैसी थी ये एंगल हमारी कॉमन थी देयर फोर ट्री एंगल ए बी सी सिमिलर टू ए एंगल सिमिलर हो गया अच्छा सिमिलर हो गया तो देयरफॉर फोर एरिया ट्री एबीसी ए बी सी अपॉन में एरिया ट्री ए डी ई इक्वल टू किसी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल जिसकी वैल्यू दी लिखो ए बी अपॉन में एडी स्क्वायर अपॉन में एडी स्क्वायर के और ये ए बी स्क्वायर है कौन ए बी ए बी कहीं दिख रहा है क्या वन है अपॉन में एडी कितना है थ्री है वन बाई थ्री के स्क्वायर के इक्वल यानी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्र बी सी कितना दिया हुआ है ए बी सी की वैल्यू टेन दी हुई है तो की वैल्यू टेन दी हुई है अपॉन में दिया हुआ है इज इक्वल टू वन बाई नाइन समझ ही चुके होंगे कि नाइनटी आंसर आने वाला है क्या लिखेंगे तो देयरफॉर फोर एरिया ट्रेंगल ए डीई इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन इज इक्वल टू नाइनटी सेंटीमीटर स्क्वायर यह हमारा आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा सेवन सेवेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिगर है ट्रैंगल पी आर एस एंड पी क्यू आर आर सिमिलर पी आर एस पी क्यू आर इसमें सबसे मेन अगर कहीं गलती होती है रेशियो लिखने में गलती होती है और रेशियो के लिए मैंने कहा इसीलिए शुरुआत से पढ़ते आइए आप ये एंगल आर जो सामने दिख रहा है इसके सामने पी एस है तो इस वाले में इसके सामने कौन सा साइड है आपका आ, पी आर है तो पी आर होना चाहिए उसके नीचे अब इस वाले के सामने कौन है पी आर है ठीक है तो इसके सामने कौन सा होना चाहिए पूरा पी क्यू होना चाहिए चलो ये चीजें आपके समझने के लिए है अच्छा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ लिख देते हैं कि सिंस ट्रेंगल पी आर एस सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर पी एस इक्वल टू टू वैल्यू लिख देते हैं पी एस की टू लिखती पी आर की थ्री लिखती इफ द एरिया ऑफ द ट्रेंगल पी आर एस पी आर एस की एरिया कितनी है टू है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर पूरे पी क्यू आर की आपको एरिया कैलकुलेट करनी है तो बस जो भी मैं बता रहा था वही होने को है सिंस ट्रीआरएस सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर देर फोर एरिया ट्रियंगल पी आर एस अपॉन में एरिया ट्रि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर एस में कौन सी साइड है पी एस का होली स्क्वायर अपॉन में पी क्यू आर में कौन सी साइड लेनी है हम लोगों को पी आर लेनी है पी आर का स्क्वायर पी एस अपॉन में पी आर का स्क्वायर अच्छा पी आर एस आज ये कैसे आया ये तो थ्योरम नंबर थ्री है वैल्यूज दी हुई है किसकी किसकी पी एस और पी आर की वैल्यू दी हुई है टू दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है और पी आर एस की भी वैल्यू दी हुई है टू सेंटीमीटर तो पी आर एस की जगह पे रखेंगे टू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में रखेंगे एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन अभी हमारे लिए पीएस का कितना है टू है और पी आर का कितना है थ्री है स्क्वायर यानी टू सेंटीमीटर स्क्वायर इधर हो गया एरिया ट्रिएंगल पी हो गया इज इक्वल टू फोर अपॉन में नाइन तो एरिया ट्रिएंगल पी क्यू इज इक्वल टू नाइन इंटू टू अपॉन में फोर टू आंसर सा टू टू आन्जा, कितना आ गया फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा एट अब एट्थ क्वेश्चन में है कि इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट वन जीरो बी सी के तो चलो यहां पे मेंशन करते हैं कि डी पैरल है बी के ए डी अपॉन डी बी ए डी अपॉन डी बी इज्कवल टू फाइव हाँ और ये फोर ओके okay.

और इसके अलावा क्या कर सकते हो ये एंगल तीसरा वाला भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है वैसे वो भी करिस्पॉन्डिंग है तो अगर लाइन पैरल भी चली गई ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो और ऐसा मैंने हर जगह गूगल वगैरह पे भी देखा बहुत शॉर्ट में कर दिया है बिना समझाए वो अंडरस्टूड है कई बार समझ में नहीं आता लेकिन अंडरस्टूड है चलो वो भी चलता है एंट्री एंगल ए डी एंड ए बी सी देखो यहाँ पे गिवन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा टाइम भी बचाना है और थोड़ा सा स्पेस भी हमारे पास ज्यादा होना चाहिए हम आपको तरीका बता रहे क्वेश्चंस तो मेंशन है कि क्या कुछ गिवन है और यहाँ पे दिया है कि क्या फाइंड करना है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी क्या लिखेंगे करिस्पॉन्डिंग एंगल इसके अलावा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कैसा है ये ये कॉमन है देयर फोर ट्रिएंगल एडीई सिमिलर हो गया ट्रेंगल ए बी सी और वो भी किससे ए एक्सियम से और जैसे ही सिमिलर हो गया तो देयर फोर एरिया ट्रैंगल क्या लिखेंगे यहां पे एरिया ट्रैंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्रेंगल ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल टू कोई एक साइड चूज कर लेते हैं ए डी अपॉन में ए बी का स्क्वायर अच्छा ए डी का स्क्वायर कितना है फाइव है लेकिन ए बी क्या है ए बी है आपका ए डी प्लस बी डी होगा है ना और ये कितना आएगा ये तो ट्वेंटी फाइव आ गया और ये कितना आ रहा है फाइव प्लस फोर का स्क्वायर यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव नाइन का स्क्वायर आ जाएगा ठीक है तो ट्वेंटी फाइव बाई नाइन यानी कि ट्वेंटी फाइव बाई एटी वन आई होप यही आंसर आ रहा होगा ठीक है अब बाकी जो क्वेश्चन है टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन है इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी हम लोग कल की वीडियो में करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल